हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं व्रत के लिए खीरे का पडिंग बनाने जा रही हूँ, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है, एक खीरा है, आप देख सकते हैं इधर सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। किशमिश है, काजू है, 10-20 काजू है, मलाई है, देख सकते हैं इधर नारियल है, मैंने ग्रीन वाली लेके 4 से 5 मैंने इलायची लिए हैं, चीनी है 100 ग्राम के लगभग मैंने चीनी ली। अब मैं इसे छीलूँगी, इस वाले से आप छीले और कद्दूकस कर लें इस तरह के ग्राइंडर से कद्दूकस कर लें। और मैं आप देख सकते हैं मैंने मखाने लिए थे 25 ग्राम के लगभग, उसे आप इसी तरह से भून लें। और ड्राई फ्रूट मैं भूनूंगी नहीं, कच्चा ही डालूंगी, क्योंकि मेरे घर में लोग कच्चा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप चाहो तो भून भी सकते। 1 चम्मच के लगभग मैंने रिफाइंड लिए थे, उसे इसे अच्छे से भून लें। मैं आपको कद्दूकस किया हुआ खीरा दिखा रही हूँ। अभी मैंने कद्दूकस के देखिए इसमें कितने सारे पानी है, इसे आप ऐसे करके इसकी पानी निकालते जाएं, इसे देख सकते हैं इस तरह से पानी निकाल कर बाउल में डालते जाएं। देख सकते हैं इस तरह, देखिए इसके कितने पानी है, इसे आप जूस के रूप में यूज कर सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक और यम्मी होता है। थोड़ा सा काला नमक डाल ले, जीरा पाउडर भुना हुआ डाल ले और इसे इंजॉय करें। खीरे के जूस को आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये निकल चुका है पूरा से, देखिए इस तरह से। इधर आप देख सकते हैं मेरे ड्राई फ्रूट भी भून चुके हैं, इसे मैं प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। 1 ग्लास मैंने दूध लिए हैं, अभी से मैं गर्म करूँगी। मैंने 1 ग्लास दूध डाल करके इसे गर्म कर लूँगी। अब इसमें मैं खीरे जो कद्दूकस किए हैं उसे आप इसमें डाल करके इसे अच्छे से पकाएं। देख सकते हैं मैंने पहले से ही दूध खौला लिए थे, अभी इसी तरह खौला लें दूध को और उसमें डाल दें। दूध इतने पतले होते हैं कि 2 से 3 मिनट के अंदर में ये पूरे से जाएंगे ड्राई फ्रूट। जब ये अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट डालूँगी, देख सकते हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप, थोड़ा सा ये गल जाए तो मैं इसमें मलाई डालूँगी, लास्ट में आप इसमें चीनी डालें जो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से गल गए हैं। अब आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें, मलाई जो है उसे भी आप इसमें डाल करके मिक्स कर लें अच्छे से, देख सकते हैं सबको अच्छे से। नारियल का बुरादा डाल दें मलाई डालने पर, इसकी 4 गुना स्वाद और भी बढ़ जाती है। आप भी इसी तरह से इसमें काजू भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने कट नहीं किए हैं, आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं। अब आप इसमें चीनी डाल दें, चीनी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं करके अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी बड़े से बाउल में। और इसमें आप मखाना डाल लें, ऊपर से मखाना डाल, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये बहुत ही। अब मैं इसे किशमिश डाल करके डेकोरेट करूँगी और आप लोग को दिखा। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर और खीर बन गया है, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये कुकुम्बर का खीर है। आप लोग इसी से बनाए और व्रत में भगवान को भोग भी लगाए और खाए भी इसे, और स्पेशल डिश बहुत ही प्यारा है, बहुत जल्दी बन भी जाता है। आप इसे बनाए खाए और कैसा बना मुझसे शेयर करें। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।